हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ का पार्ट 8, वे दिन भी क्या दिन थे, बच्चों सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। पार्ट पर आधारित कुछ हमने प्रश्न बनाए हैं, जो पार्ट पर आधारित है उस पे सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों? और आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? और उसे आप अपनी कॉपी में सुंदर और साफ लिखेंगे। और वीडियो को अब देखते हैं बच्चों। आज हम सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों? 3 ऑप्शन दिया गया है, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। पहला नंबर, अपनी डायरी में महत्वपूर्ण घटना को किसने लिखा था, जो महत्वपूर्ण घटना थी वो किसने लिखा था, ठीक है? 3 ऑप्शन दिए गए, आ, ब और स। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? रोहित ने। दूसरा ऑप्शन क्या है? कुम्मी ने। तीसरा ऑप्शन क्या है? दादाजी ने। किसने लिखा था बच्चों हमारा इसको? कुम्मी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा तो क्या है बच्चों? 2, कुम्मी को कागज पर छपने वाली कहानी के बारे में किसने बताया था, कुम्मी को कागज़ पर छपने वाली किताब के बारे में किसने बताया था? नाना जी ने, माँ ने या दादाजी ने? बच्चों किसने बताया था? दादाजी ने। किसने बताया था? दादाजी ने। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 3, स्कूलों में अध्यापक कौन होते हैं, स्कूल में जो बच्चे अध्यापक हैं कौन होते हैं, क्या स्कूल में अध्यापक मशीन होते हैं, बामे हैं स्त्री और पुरुष होते हैं, और समय काल्पनिक? बच्चों स्कूल में जो हमें पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? आपने देखा होगा स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, कई लेडीज़ होते हैं और कई जेंट्स होते हैं, या स्त्री, उसी को हम स्त्री या पुरुष कहते हैं, ठीक है बच्चों? प्रश्न नंबर हमारा क्या है बच्चों? 4, कुम्मी के ने महत्वपूर्ण घटना को अपनी डायरी में कब लिखा था, कब लिखा था? आ है 17 मई 2155 की रात को, आ क्या है 17 मई 2155 की रात में लिखा था, 17 मई 2055 में लिखा था, फिर दिया है तीसरा ऑप्शन है बच्चों हमारा 17 मई 1955 की रात को लिखा था। बच्चों कब लिखा था? 17 मई। इसका सही उत्तर क्या है हमारा बच्चों? 17 मई सन 2155 की रात को लिखा था। प्रश्न नंबर हमारा क्या है बच्चों? 5, पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है लिखा था, ठीक है किसके बारे में लिखा था? घरों के बारे में लिखा था या स्कूलों के बारे में लिखा था, स्कूलों के बारे में लिखा था या मशीनों के बारे में? बच्चों जो पुस्तक है, उस जो पुस्तक मिली थी उसमें किसके बारे में लिखा गया था, घरों के बारे में, स्कूलों के बारे में या मशीनों के बारे में? तो इसका उत्तर है बच्चों हमें किसके बारे में मिला था? स्कूलों के बारे में। प्रश्न नंबर हमारा क्या है बच्चों? 6, इस पाठ के लेखक कौन है, बच्चों जो अभी आप पाठ पढ़ रहे हैं इसके लेखक कौन है, आइजल असिमोव या न्यूटन, या न्यूटन या जेएस ब्रदर्स? बच्चों कौन है इसके लेखक, ठीक है इसके लेखक कौन है बच्चों? आइजल असिमोव। प्रश्न नंबर हमारा 7, रोहित को पुस्तक किससे मिली थी, जो रोहित को पुस्तक है किस में मिली थी, ठीक है
कहाँ मिली थी बच्चों? फूलदान के अंदर मिली थी, या अलमारी में मिली थी, या डिब्बे में? तो बच्चों ये जो पुरोहित को पुस्तक मिली थी वो कहाँ मिली थी, किस में मिली थी बच्चों? डिब्बे में। प्रश्न नंबर हमारा 8, मशीन में गलती होने पर माँ ने किसे बताया था? जो मशीन में जो गलती हो रही थी बच्चों, वो माँ ने किसको बताया था? अध्यापक को बताया था, मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था, या मंत्री को बताया था? बच्चों किसको बताया था? अब तो आपको पता ही लग गया होगा, मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। प्रश्न नंबर हमारा 9, सारा गृह कार्य करके किस में डालना होता है? जो हम सारा गृह कार्य जो काम दिया जाता था बच्चों, उसे गृह कार्य कहते हैं, किस में डालना होता था? आ है मशीन में, बा है कूड़ेदान में, और सा हमारा फूलदान में। बच्चे जो हम काम करते थे वो हम किस में डालते थे? मशीन में डालते थे। दसवां नंबर, रोहित उठकर कहाँ चला गया था? जो रोहित था वो उठकर कहाँ चला गया था? आ है बच्चों अपने बाग में चला गया था, अपने स्कूल में, या अपने घर? बच्चों तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? कहाँ चला गया था? अपने घर चला गया था। बच्चों आज आपने जो किया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाया, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है बच्चों?